हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नैन्सी जी फ्रॉम जम्मू। सो नैन्सी जी फिनलैंड जा रहे हैं लाइफ का फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, आगे फर्दर स्टडी करने के लिए नैन्सी जी जा रहे हैं। नैन्सी जी के हस्बैंड हैं मिस्टर राजेश कुमार जी, और नैन्सी जी का बेटा है, बहुत क्यूट है, अनय शर्मा। सो नैन्सी जी, आपका TRC कार्ड है एंड ये आपके हस्बैंड का कार्ड है। वो आज किसी रीजन से नहीं आ पाए, तो नैन्सी जी अकेले आए उनके ब्याह पे कार्ड लेने के लिए, आपके बेटे का कार्ड है। सो नैन्सी जी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं एंड उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एंड क्या ऐसी मोटिवेशन थी कि नैन्सी जी ने फिनलैंड जाने को चूज़ किया एंड आगे फर्दर इन्होंने ऐसा प्लान किया कि स्टडी करनी है, यहाँ पे सब कुछ सेटल है, अच्छी जॉब है, दोनों हस्बैंड और वाइफ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, एंड क्या ऐसी मोटिवेशन थी? वो आज नैन्सी जी आपको बताएंगे क्या ऐसी मोटिवेशन थी फिनलैंड जाने की, गवर्नमेंट जॉब को उन्होंने ना करते हुए आगे फिनलैंड जा रहे हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, एंड आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं। सो नैन्सी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने एडोफिन को चूज़ किया। सो नैन्सी जी, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स से तो आपने जो चूज़ किया कि मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैंने फिनलैंड जाना आपने पसंद किया कि आगे फर्दर स्टडी करूँगी, लाइफ वहाँ पर सेटल करूँगी? वेल सर, मुझे फिनलैंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो एक वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है, और मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी है गर्ल्स के लिए, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो देयर। सो नैन्सी जी, जैसे आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, तो उनका कैसे प्लान हुआ, या आपने उनको कन्विंस करा, या खुद पहले ही कन्विंस थे फिनलैंड को लेके, तो उनके कैसे प्लान बन गए मैं वो भी जॉब क्विट करके आगे फर्दर मैं फिनलैंड जाऊँगा आपके साथ? वेल, उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया क्योंकि मेरा था ड्रीम था कि मैं आगे पढ़ूं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से क्या मतलब वहाँ ही मतलब बाहर से ही हम एक अच्छा गाइडेंस लेके मतलब हम आगे फर्दर परस्यू कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी चोज फिनलैंड, बिकॉज अभी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, यहाँ के टीचर्स भी बाहर वहाँ के गाइडेंस लेने जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो देयर। एजुकेशन रैंक उनका फीचर, उनकी एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही टॉप रैंक पे है, सो इंडियन टीचर्स भी जाते हैं वहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो उनका जो सिस्टम अडोप्ट कर सकें कि वहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है वो इंडिया में आ गए हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट? तो एक छोटी सी बात हम ये बताइए कि आपने एडोफिन को कैसे सर्च किया, राइट? क्योंकि जम्मू में आप जम्मू से आते हो, जम्मू में भी काफ़ी क्रेज है स्टूडेंट्स को फॉरन जाने का, और वहाँ पे तो आप ऑल दी वे फ्रॉम जम्मू टू अमृतसर कैसे आना हुआ आपका? वेल, मैंने यूट्यूब में आपके वीडियोस देखी थी, तो काफ़ी गुड रिव्यूज़ थे स्टूडेंट्स के, सो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ट्राई करें। जब यहाँ पे आए तो आपके काफ़ी सारा स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली था, कोऑपरेटिव था, हर एक स्टेप में बहुत अच्छा गाइडेंस हमें प्रोवाइड किया, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि सेम मतलब फैमिली वाला फील ही आया आपके साथ। आपने हमेशा हमें कॉल करके एक एक स्टेप बताया, तो हमें कभी कोई ऐसा लगा ही नहीं कि हमें किसी चीज़ की परेशानी आई है, तो हमारा काम बहुत स्मूथली हो गया। तो मैं तो सभी को यही रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर आएँ और इनकी बेस्ट सर्विसेज लें। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो एक्चुअली मैम ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि एडोफिन में वी आर नॉट ट्रीटिंग आवर क्लाइंट्स जस्ट क्लाइंट्स, कि हम यहाँ पे हमारे पास जो भी क्लाइंट होता है वो हमारे साथ जो एडोफिन में आता है डे फर्स्ट में हमारे साथ एनरोल करता है, तो उसकी फीलिंग्स हमारे साथ अटैच हो जाती हैं, एंड उसके जो एस्पिरेशंस होती हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाती हैं, उसको पता होता है कि एडोफिन में आए हैं, जेन्युइन गाइडेंस लेके गए हैं और हमें जेन्युइन वीज़ा मिल जाएगा, राइट? एंड हम भी उस क्लाइंट को क्लाइंट की तरह नहीं समझते, हम उसको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं, राइट? कोई भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम है एट एनी टाइम, रात के 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, तो हमें ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आप क्यों कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सो मैम, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा आप कोर्स करने जा रहे हो? ओके सर, मैं तांपे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में जा रही हूँ, और मैं 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट सर्कुलर इकोनॉमी करने जा रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है और न्यू है, इन डिमांड है, तो इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस कोर्स। थैंक यू। सो एक VFS जब आप गए थे यहाँ से फाइल लेके, एडोफिन में आए थे, अमृतसर आए थे, यहाँ से फाइल लेके आप दिल्ली गए थे VFS में, तो जब आपकी फाइल सबमिशन हुई थी वहाँ पे क्या कैसे आपकी वहाँ पे सबमिशन हुई थी, या आपका बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो ही नहीं हुई आपसे, कुछ पूछा तो नहीं गया, तो वहाँ पे क्या उसको एक्सप्लेन करोगे आप?
वेल मतलब ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, वो हमेशा वही पूछते हैं जो हमारे हमसे रिलेटेड हो. जो भी हमने उनको बताया हो कि आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से क्या स्टडी करने जा रहे हो, क्यों आपने फिनलैंड चूज़ किया, क्यों आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे हमसे रिलेटेड ही. ऐसे कोई मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं पूछेंगे. तो जो हमारी मतलब हमने उनको फाइल दी होगी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. तो ऐसा कुछ हार्ड वहाँ था नहीं. हाँ कॉन्फिडेंट रहना है. दे मतलब अगर हम मतलब कुछ भी आप उनको मतलब वो आपको ऐसे करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहना है. जो आपने आंसर एक बार बोल दिया उस पर स्टिक रहना है कि हाँ यही ठीक है. राइट राइट राइट. सो नैन्सी जी, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं हमारे, जो यूट्यूब हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड उनका भी ड्रीम है कि आगे फर्दर फिनलैंड स्टडी करना चाहते हैं. आप उनको एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहते हो? मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि हाँ फिनलैंड जाओ, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छी कंट्री है, हैप्पीस्ट कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री है. एंड बीइंग अ गर्ल फैमिली भी जा सकती है, फैमिली फ्रेंडली कंट्री है. आजकल कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो पूरी फैमिली को इनवाइट मतलब दे रहा है. तो ये बहुत ही अच्छी कंट्री है, आप सबको जाना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ एडिफिन में आए और अपनी उनसे सर्विसेज लें, बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी कोऑपरेटिव. सो प्लीज़ कम हेयर एंड टेक सर्विसेज फ्रॉम देम. थैंक यू मैम, एंड वी विश यू वेरी सुपर डुपर सक्सेस अहेड इन फिनलैंड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.